एवरी वन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के कुछ करेंट डाटा के बारे में। तो अगर आप अपीयर होने जा रहे हैं बीपीएस एएफओ के एग्जाम में, एनएससी, एफसीआईजी 3, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करंट में स्टार्ट निकल के आए थे एग्रीकल्चर में, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ एस्टिमेट निकल के आया था उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो इन तक देखिए, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो इस क्लास के बाद जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उपज नाम से, upaj.gov.in करके। तो यहाँ से आपको एस्टिमेट्स वगैरह जो आते हैं यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। तो फाइनल एस्टिमेट आया था अभी हर एक क्रॉप के लिए, तो मैंने 2 क्रॉप ऐड किए हैं। तो अगर आप बाकी क्रॉप का पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा क्रॉप का। तो राइस प्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि फाइनल एस्टिमेट कितना रहा था राइस प्रोडक्शन में, तो आप बता सकते हैं 168.74 लाख टन। कौन सा स्टेट सबसे हाईएस्ट में रहा? तेलंगाना, ठीक है। 5 स्टेट के नाम दिए गए हैं, टॉप में कौन है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। कितना प्रोडक्शन रहा था आप यहाँ पर देख सकते हैं, 168.74 लाख टन। अब यही सेम वीट के बारे में फाइनल एस्टिमेट कितना निकल के आया है, 353.4 लाख टन, ठीक है। यूपी टॉप में रहा है वीट प्रोडक्शन में। और यहाँ पे है फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो कि हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अभी करेंट का डाटा है, ठीक है। तो कितना है, 332.29, यानी कि 332.3 आप लेके चल सकते हैं, 332.3। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि भैया अभी मैंने इस पर मैं डाला था पोल्स में और टेलीग्राम पे भी, कि कितना रहा था इस बार का एस्टिमेटेड फूड ग्रेन प्रोडक्शन टोटल अपनी कंट्री का, 332.3 आप याद करके रखिए। अब यही राइस की बात करते हैं। तो राइस 2-3 क्रॉप का मेन याद रखना, जैसे राइस हो गया आपका, वीट याद कर लो, मेज कर लो, और इसमें शुगर कैन कर लो, और यहाँ पे पल्स क्रॉप का टोटल कर लो। ये टोटल है, ये अलग से नहीं है, ठीक है। तो ये LMT किस में है, लैक मैट्रिक टन्स में, ठीक है। आप इसको चाहें तो बदल सकते हैं मिलियन टन्स में। जैसे राइस प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1378.25 लाख मैट्रिक टन, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 137.82 लाख टन्स, मिलियन टन्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन नंबर पता होना चाहिए। छोटा करना चाहते हैं तो ऐसे करते हो आप। में से कितना है, 306.65 लाख मैट्रिक टन। पल्सेस में टोटल मैंने ऐड किया हुआ है, ये अलग अलग क्रॉप्स है उसमें नहीं है, सिर्फ टोटल मैंने बताया, 242.46 लाख मैट्रिक टन्स, ठीक है। श्री अन्ना आप मिलेट्स का देख सकते हैं, यहाँ पे है टोटल, ऑयल सीड का देख लो, और शुगर कैन का स्पेशली याद रखना, ठीक है। 4531.58 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन रहा है हमारे कंट्री में। और कॉटन को हम लोग बेल्स में निकालते हैं, तो कितना रहा था, 325.22 लाख बेल्स में, ठीक है। ऐसे ही आप फाइबर क्रॉप में जूट एंड मेस्टा का भी देख सकते हैं। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके FCI के लिए भी, और आपका अगर AFO के एग्जाम में क्वेश्चन बना तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं कि कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का। तो ये भी थोड़ा डाटा चेंज हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा सा गौर करने की बात है, ध्यान दो यहाँ पे। टोटल इकोनॉमी में जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है हमारे एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का, ये इंपॉर्टेंट है, कितना रहा है, 17.7%, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारा टोटल इकोनॉमी में ग्रॉस कितना GVA है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, एग्रीकल्चर का अलग से है पूरा, कि मतलब टोटल GDP में एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है वो अलग डाटा है। अगर पूछता है कि पूरे इकोनॉमी में ग्रॉस वैल्यू एडिशन बताइए एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का, तो कितना रहेगा आपका, 17.7%, ठीक है। अदर्स यहाँ पे दिए गए हैं, उससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये याद रखना 17.7, नंबर अच्छा है 17.7, आप उसको एक बार में याद कर सकते हैं, ठीक है। ये 23-24 का डाटा है। अब यहाँ पे आप ग्रोथ देख लो, ग्रोथ एंड ग्रोथ का ट्रेंड कैसा रहा था। तो टोटल इकोनॉमी ग्रॉस वैल्यू एडिशन का रेट दिया हुआ है, टोटल इकोनॉमी दी हुई है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का कैसा ग्रोथ रेट रहा है, जैसे यहाँ ये बढ़ती हुई दिख रही है ये लाइन, ठीक है। इकोनॉमी में तो ग्रोथ हो रहा है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का आप देखेंगे ग्रोथ रेट थोड़ा सा
यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, यहाँ पे बढ़ा है, फिर यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो अभी करंट में थोड़ा सा डिक्लाइनिंग में चल रहा है ग्रोथ रेट, ठीक है। अभी जब कोविड वगैरह आया था तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ अप्रोच किए थे कि भाई चलो एलाइड सेक्टर में कुछ करते हैं, गोल्ड फार्मिंग, फिश फार्मिंग और एनिमल वगैरह का रेयरिंग। अब क्या है कि इसमें जो विलेज वगैरह में लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उतने अगर 4, 5, 6 गाय रख ली अपने यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है उनको देखभाल करना, और अगर लोग नहीं है उनके पास उतने तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको संभालना, ठीक है। धीरे धीरे जो किसान जो है एलाइड में कमाने लगे, जिनके पास व्यवस्था वगैरह है वही कर रहे हैं अभी बड़े स्केल पे, ठीक है। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे ही यहाँ पे है क्रॉप सबसे ज़्यादा हमारा कंट्रीब्यूट कर रहा है हर साल, देख लो यहाँ पे ग्रीन वाला पूरा क्रॉप है, ये वाला पूरा क्रॉप्स क्रॉप का कंट्रीब्यूशन है। धीरे धीरे एनिमल हस्बेंड्री भी बढ़ी है और फिश प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव मिला है, मतलब कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग फिश फार्मिंग करते ही हैं, उसके साथ विलेज लेवल भी पॉन्ड वगैरह क्रिएट करके बायोफ्लो की टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग फिश फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड देख सकते हैं, इंक्रीजिंग आपको दिख रहा होगा हर एक सालों के लिए, हर एक सालों में, ठीक है। तो ये बस समझने के लिए दे दिया कि भाई किसका कितना कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट के बारे में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया हमारे कंट्री का कितना है, तो क्या आंसर मारेंगे, 329 मिलियन हेक्टेयर, ये रफली है 328.7 समथिंग था, 9.7, तो मैंने इसको 329 कर दिया है। तो ये राउंड ऑफ फिगर याद रखना, 329 मिलियन हेक्टेयर हमारे कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट करेंट के डाटा स्टैट्स हैं, फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में मतलब मैक्सिमम चांस रहते हैं कि पूछ लिया जाए। अब इसको देखते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर आप पूछे कितना बताना है, 143.6%, 143.6% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं उसको सीखिए, हमने क्लास लिया हुआ है उसके ऊपर। वेस्ट लैंड एरिया कितना है हमारे कंट्री का, 55.7 मिलियन हेक्टेयर, देख रहे हैं। वेस्ट लैंड यानी कि बेकार की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे खेती वगैरह होती नहीं। अगर आप पूछे कि टॉप का स्टेट कौन सा है जहाँ पे वेस्ट लैंड एरिया सबसे ज़्यादा है, क्या बताएंगे आप लोग, राजस्थान, क्योंकि भैया पूरी रेतीली जगह है, जो आपका पूरा रेत वाला एरिया है, मरुस्थल वाला है, वहाँ पे खेती वगैरह तो होती नहीं होगी, तो वेस्ट लैंड में ही आएगा। तो मैक्सिमम जो जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 16.96% हमारा वेस्ट लैंड में जाता है, 55.7 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो ये डाटा याद रखना कि अगर पूछे एग्जाम में कि वेस्ट लैंड कितना है हमारे कंट्री का, 55.7 मिलियन हेक्टेयर। तो NSO ने बताया है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, तो परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड हमारे कंट्री में कितना परसेंट लोग रूरल हाउस होल्ड हैं, गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो लगभग 50.3% है। और यहीं पे आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा 64 बताया गया है, ठीक है। तो रूरल पॉपुलेशन हमारे कंट्री के 64% है, तो ये दोनों तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग। तो ये है 20th लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग हमने लिखा हुआ है कि जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हमारी कंट्री में लगभग 536.76 मिलियन। अभी आपने न्यूज़ भी सुना होगा, तो डेयरी के मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया था कि हमारा जो 21st का सेंसस है स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर से, अभी फेब में उसका करेंट का डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक लिए याद रखो, क्योंकि फेब तक अभी नेक्स्ट ईयर होगा तब तक एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि 20th लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है आपको टोटल लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन कितनी है हमारी कंट्री में, तो 536.76 मिलियन है, ठीक है। हाईएस्ट नेट इरीगेटेड एरिया कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, कितना एरिया है, 17.6 मिलियन हेक्टेयर। टोटल एरिया अंडर माइक्रो इरीगेशन इन इंडिया तो कितना है, 83.46 लाख हेक्टेयर्स का कहाँ डाटा है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। तो यहाँ से डाटा भी रिलीज हुआ है 2023-24 का बात बता रहा हूँ। तो माइक्रो इरिगेशन में आपको पता होगा ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, तो अभी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, महाराष्ट्र टॉप में है आई थिंक, वहाँ पे पानी की भी कमी है बहुत सारे एरियाज़ में, तो इसीलिए माइक्रो इरिगेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। और हर एक स्टेट को करना चाहिए क्योंकि इसमें जो वाटर का सेविंग है लगभग 70% तक हो जाता है, ठीक है, 30 से लेकर 70% तक हम वाटर की सिक्योरिटी कर सकते हैं, और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा इंक्रीज होता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो अभी डाटा निकल के आया था, 83.46 लाख हेक्टेयर
जो है हमारा टोटल एरिया अंडर माइक्रो इरीगेशन। ठीक है, माइक्रो इरीगेशन की बात हो रही है तो ये याद रखना आप लोग। ग्रोथ रेट की बात करते हैं एग्री एलाइड सेक्टर की, जो पीछे हमने दिखाया थी इसमें 3%, तो इतने परसेंट से एग्री एलाइड सेक्टर का ग्रोथ हमारे कंट्री में हो रहा है। और क्या है आगे देखते हैं, अगर नेट सोन एरिया के बारे में पूछे एग्जाम में कि नेट सोन एरिया कितना है हमारे कंट्री का, तो 141 मिलियन हेक्टेयर याद रखना, लगभग कितना 42.8% टोटल जियोग्राफिकल एरिया का है हमारे। ठीक, ग्रॉस सोन एरिया कितना है, लगभग 219.158 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार मार्क कर दिया जाए, नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया दोनों याद रखना है। नेट एरीगेटेड एरिया 77 मिलियन हेक्टेयर, हमने अभी पीछे देखा था यहाँ पे किसका था, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इरीगेशन की बात हो रही है, 83 लाख अगर बात करें तो 8.3 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है टोटल, नेट एरीगेटेड एरिया हमारे कंट्री का 77 मिलियन हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर में आप इसको याद रख सकते हैं, तो मिलियन हेक्टेयर में याद रखना 77 मिलियन हेक्टेयर जो कि हमारे कंट्री का नेट एरीगेटेड एरिया है। ठीक है, शेयर की बात करते हैं, वही लिखा गया कि भाई एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की हमारी इकोनॉमी में कितना वैल्यू एडिशन है, तो कितना भैया 17.7%। ठीक है, तो PIB में अभी करंट में डाल आया था। उसके अलावा अगर पूछे कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना है, 18%। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में PIB में आया है। और टोटल फॉरेस्ट कवर पूछे अगर एग्जाम में इंडिया का कितना है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर, लगभग ही 24.62% हमारे जियोग्राफिकल एरिया का आता है। तो इम्पोर्टेंट डाटा है, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है हमारे कंट्री में, 80.9, राउंड फिगर आप 81 मान के चल सकते हैं, 81 मिलियन हेक्टेयर लगभग हमारे टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है हमारे कंट्री में। स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री, मध्य प्रदेश एरिया की बात हो रही है, फॉलोड बाय द अरुणाचल प्रदेश। और मिजोरम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टोटल जियोग्राफिकल एरिया, तो जो मिजोरम जितना बड़ा स्टेट है उसके एरिया के अकॉर्डिंग हम कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ पे परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर कंट्री में बात करते हैं तो टोटल फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम में क्या है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अभी हमने देख लिया मिलियन टन्स में है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं इसमें, ये मैंने अपडेट कर दिया है, जो मैंने स्कीम्स का PDF बना के दिया था उसमें कुछ डाटा पुराने थे, तो मैंने ये नए वाला डाटा ऐड कर दिया, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी टेलीग्राम पे मैंने पिन किया हुआ है। अब बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में, तो वर्ल्ड मिल्क डे आपका 1 जून को आता है। अगर हम बात करते हैं हमारे कंट्री में स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा मिल्क देती है, तो इंडिजिनस बफेलो, ठीक है, हमारे देसी जो नस्ल की भैंस है वो सबसे ज़्यादा मिल्क का कंट्रीब्यूशन करते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। उसके बाद क्रॉस ब्रीड काऊ का योगदान ज़्यादा है, लगभग 29.81%, लगभग 30% कंट्रीब्यूशन हमारे क्रॉस ब्रीड काऊ करती हैं। इंडिजिनस काऊ थोड़ा सा कम है, यहाँ पे प्रोडक्शन 10.73%। ठीक है, तो टॉप का ही आगे अगर आएगा तो आएगा टॉप का ही आएगा। अगर पूछता है कि हमारे मिल्क प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीसीज का योगदान है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है, तो कौन से स्पीसीज है, इंडिजिनस बफेलो, कितना परसेंट, 32% लगभग याद रखना। ठीक है, गोट्स भी थोड़ा बहुत मिल्क प्रोडक्शन में योगदान दे रही हैं, एक्जोटिक काऊ आप देख सकते हैं यहाँ पे हैं, एक्जोटिक काऊ उतना सूटेबल नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, इसीलिए उतना हम पालते वगैरह नहीं हैं, बाकी क्रॉस ब्रीड और इंडिजिनस ब्रीड भी हैं अच्छी खासी, तो मिल्क प्रोडक्शन में टॉप में ही आते हैं हम लोग। उसके साथ साथ ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छी है, पास्ट डिकेड में देखेंगे तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो रही है CAGR ग्रोथ लगभग 6% से हमारी ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में कंपेरिजन करते हैं। अगर आपसे पूछें कि मिल्क प्रोडक्शन कितना है हमारे कंट्री का एस्टिमेटेड कितना है, 236.35 मिलियन टन्स, 23-24 डाटा है ये, आई थिंक ये पुराना डाटा 230 था समथिंग, अभी 236.35 हो गया, लगभग 2.5% का ग्रोथ इसमें आया है, देखने को मिला है। ठीक है, तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि 236.35 मिलियन टन जो है मिल्क प्रोडक्शन हमारी कंट्री का टोटल एस्टिमेटेड रहा है, कितनी ग्रोथ है, 2.5% ग्रोथ मिली है लास्ट ईयर से।
पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बढ़ा हुआ है 459 ग्राम पर डे बोलते हैं, लेकिन पता नहीं सब पीते हैं कि नहीं। आधा लीटर दूध तो पीना ही चाहिए डेली, इन्होंने बोला है कि कर अवेलेबिलिटी है, लेकिन मिलता कितना है वो कुछ पता नहीं है। और इतना मिल्क है हमारे कंट्री में, लेकिन फिर भी हंगर इंडेक्स में देखेंगे तो हम लोग बहुत पीछे हैं। मतलब मानो कि इतना पैदावार हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन में आ गए हैं, वेजिटेबल्स में आ गए हैं, फ्रूट्स में आ गए हैं, लेकिन खाने के लिए किसी को मिल ही नहीं रहा है। जिनके पास है वो अपरम पार है, जिनके पास है बिल्कुल नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। जो अमीर हैं बहुत ही अमीर हैं, जो गरीब हैं बहुत ही गरीब हैं। अब इसको पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, गवर्नमेंट का काम है, हमारा क्या काम है, बस हम पढ़ते हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ओनर्स, ये तो सबको पता है, इतने ज़्यादा लाइफ स्टॉक्स हैं। ओवरऑल लाइफ स्टॉक की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन हमारे कंट्री में यही है, और टोटल पॉपुलेशन 536.76 मिलियन। आई थिंक यही हमने डाटा यहाँ पर डाला था, 536.76 मिलियन, ठीक है। यही हमारा 20th लाइफ स्टॉक सेंसस का डाटा है, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ओनर हैं भैया, थोड़ा प्राउड फील कीजिए आप लोग। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड शुगर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना आप लोग। और क्या है टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था हमारे कंट्री का 22-23 की बात करते हैं, 138.38 मिलियन। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एक की कितनी है 101 पर ईयर। और कुछ लोग हमारे इंडिया में गुड्डू भाई जैसे हैं कि मुन्ना भैया अंडे करवा दीजिए, तो सिर्फ अंडे पे ही भैया अपना जीवन बिताते हैं। जो जिम वाले बंदे हैं वो सुबह के 4 अंडे, दोपहर में 4 अंडे, शाम को 4 अंडे ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनके पास है लेवरेज अपना आराम से पूरा फ़ायदा ले रहे हैं, जिनके पास नहीं है तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैच हो जा रहा है कि भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारे कंट्री में उसका खपत भी हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। तो ग्रोथ रेट है यहाँ पे, और कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर GVA और कंट्रीब्यूशन टू टोटल GVA। तो लाइफ स्टॉक की बात करते हैं, तो कितना है कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर GVA में, एग्रीकल्चर की बात हो रही है सिर्फ, तो लाइफ स्टॉक काफ़ी अच्छा, क्रॉप के बाद आई थिंक लाइफ स्टॉक ही है, उसके बाद फीस है। तो क्रॉप सबसे ऊपर में है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कराते हैं, उसके बाद लाइफ स्टॉक सेक्टर है 30.38%। और इस यही बात करते हैं कंट्रीब्यूशन टोटल GVA तो 4.66%, ठीक है। अब यही फिशरी सेक्टर की बात करते हैं तो उसके बाद आता है 6.72% जो कि एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करता है हमारा फिशरी वाला सेक्टर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में आपको पता होगा ना एलाइड वाले कौन से आते हैं, एग्रीकल्चर में कौन सा आता है, तो मेन क्रॉप है उनका मेन कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है, पोल्ट्री फार्मिंग। तो इस तरीके से अलग अलग एलाइड सेक्टर हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर में। तो लाइफ स्टॉक का कितना है 30.38, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिशरीज़ का भी आई थिंक पूछा गया है, ये भी याद रखना कि कंट्रीब्यूशन टोटल GVA में कितना है, लगभग 1.09%, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये करंट में था तो मैंने यहाँ पर टेबल डाल दिया है, बाकी मुझे मिलेगा वो भी ऐड करके जो PDF है उसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ग्रोथ रेट आप देख लो, ये ग्रोथ रेट रहा है लाइफ स्टॉक का, और ये ग्रोथ रहा है आपका फिशरी सेक्टर का, ठीक है। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं, मेजर स्टेट्स देख लो कहाँ पर एक प्रोडक्शन हो रहा है। आंध्र प्रदेश, मतलब कोई बीट ही नहीं कर सकता आंध्र प्रदेश को एक प्रोडक्शन में। आंध्र प्रदेश है टॉप में, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, ये तीन स्टेट हैं सबसे ज़्यादा टॉप में एक प्रोडक्शन करते हैं हमारे कंट्री में। उसके बाद आपका पंजाब है, केरला है, यूपी इतना बड़ा स्टेट है भैया वहाँ पे नहीं हो रहा है। यूपी आई थिंक मीट में ज़्यादा आगे है, एग में नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश सबसे टॉप में है, अभी कितना बिलियन नंबर्स में है ये भी देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या है मीट में देख लो, हाँ यूपी आगे है मीट में, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, पॉपुलेशन मैट्रिक टन में दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर्स हैं, यहाँ पे स्टेट्स के नाम है, वेस्ट बंगाल है, AP, हरियाणा है, तमिलनाडु है, ठीक है। यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। और देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये भी टच कर रहे हैं, मीट और एग में आंध्र प्रदेश आगे निकल रहा है धीरे धीरे, आई थिंक इनको भी बीट कर देगा, अभी सेकेंड पे आ जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है हमारी कंट्री में मीट का, तो है आपका उत्तर प्रदेश, जो भी मीट का कंजम्पशन है, जो भी अवेलेबल जो रिक्वायरमेंट है यूपी, उसको फिल कर देता है लगभग 23%,
ठीक है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आंध्रा है, समझ गए। आगे देखते हैं, हाँ पोल्ट्री भी देख लो, पोल्ट्री में कौन आगे, हरियाणा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ज़्यादा फर्क नहीं है वेस्ट बंगाल हरियाणा में, आगे पीछे हो जाएंगे, अभी अभी करंट में है तो आप इसको याद रख सकते हैं। पोल्ट्री में आपका हरियाणा नंबर से आप मैट्रिक 10 में इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉप के 3 स्टेट आपके जुबान पे होने चाहिए पोल्ट्री प्रोडक्शन में, सॉरी पोल्ट्री मीट में, ठीक है। और क्या है इसमें, एनुअल एस्टिमेट एंड ग्रोथ रेट यहाँ पे दिया हुआ है, भारत का जो है इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे दिया हुआ है कितना, ओवरऑल एवरेज निकाला गया है 5.49%, ये है ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट। अब अलग अलग स्टेट वाइज भी देख सकते हैं यूपी का कितना है और भी बाकी स्टेट का कितना है, ठीक है। तो ओवरऑल निकाल के बताया गया है कि हमारे कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट है लगभग 5.49%। और यहाँ इस टेबल में आप देखेंगे तो कुछ ग्रोथ रेट जो एस्टिमेट किया गया था और कितना अचीव हुआ है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो एस्टिमेशन कितना था कि जो एनुअल जीडीपी का ग्रोथ रेट रहेगा हमारे कंट्री में 8.2% से हम लोग जीडीपी ग्रोथ करेंगे, लेकिन कितना हुआ था उसका रेट, 7.2% ग्रोथ रेट से हम लोग उसको अचीव कर पाए हैं। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मे बी अगले बार पा सकते हैं। तो ये ग्रोथ का एस्टिमेशन था, ये हम लोग उसको वहाँ तक लेके गए थे, तो ये बताया गया डाटा में। हाँ उसके अलावा हमने ऐड किया हुआ है जो आपका MSP आया था इस बार, अगर जिनको भी डाटा नहीं पता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज पे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में कि इस बार का जो MSP आया था रबी सीजन के लिए उसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज कौन से क्रॉप को मिला है, तो आपका रैपसीड मस्टर्ड, ये याद रखना, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए वीट के लिए कितना MSP गया है, तो ये नंबर याद रखना 2425। बार्ले के लिए 1980, ग्राम के लिए याद रखना ये है आपका लैंटिन मसूर के लिए और सैफलावर के लिए, ठीक है। MSP कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या गवर्नमेंट का फार्मूला है, क्या स्वामीनाथन जी ने फार्मूला दिया था, फार्मर के क्या डिमांड है, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना कर रखा है, आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दूंगा लिंक, आप जाके देख सकते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर CCEA जो है आपका MSP को अप्रूव करती है और CACP के द्वारा MSP को रिकमेंड किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना कि अप्रूव कौन करता है, CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स, और रिकमेंड कौन करता है, CACP कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, और अनाउंस आपको पता होगा गवर्नमेंट करती है। और CCEA के चेयरपर्सन कौन है, हमारे PM मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है MSP के बारे में, ठीक है। तो ये डाटा करंट में था, मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है, और आपको पता होगा वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप अपना नाम इसके अंदर लाना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए। तो हमने आपके लिए मेंस लेवल के फुल लेंथ मॉक बना दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी ऑफर भी चल रहा है, तो 299 में आ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक और सेक्शनल मॉक दोनों, ठीक है। और ये ऑफ़र वैलिड है 30 तारीख तक, A25 कोड यूज़ करेंगे तभी ये 100 रुपये का ऑफ मिलेगा, नहीं तो 399 आपको देना होगा, ठीक है। तो जाके ज़रूर से चेक कीजिए टेस्ट सीरीज़, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया, अच्छा खासा रिव्यू भी दिया है, और आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है तो आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ाओ का मास्टर नोट्स, बहुत ही क्वालिटी नोट्स बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो इसमें आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूड अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो, मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, अगर कोई भी इसमें डाटा आपको मिसिंग लग रहा हो या फिर गलत लग रहा हो तो अभी हम कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, उसको हम इम्प्रूव करके PDF में आपको दे शेयर कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, धन्यवाद।